अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग साहब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, लेकिन आज मैं थोड़ी सी बीमार हूँ क्योंकि मेरा ना 2 दिन से थोड़ा सा गले का मसला बना हुआ है और उसके बाद बुखार हो जाता है मुझे, पता नहीं क्यों, शायद मौसम की वजह से। तो आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। आज की जो वीडियो है वो है हमारे घर में सबसे स्पेशल बंदी की, आज बर्थडे है तो मैं उसे विश करूंगी। उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि भाई मैंने उसके लिए कोई सरप्राइज रेडी किया हुआ है या मैं उसे विश करने वाली हूँ। तो आप लोग भी साथ रहिए। हम लोग उसका केक लेने के लिए निकल गए थे और केक मैंने ऑर्डर किया हुआ था वन स्टॉप। केक तो रात को मैंने ऑर्डर कर दिया था, उन्होंने पिक करने का टाइम बोला था 5 बजे, लेकिन अभी जो है ये 6 बजने वाले हैं। तो हम लोग जाएंगे केक लेने। सबसे पहले मैं लूँगी उसके लिए केक, और केक लेने के बाद जो है उसके लिए कुछ लेंगे गिफ्ट्स। तो उसका मैं नाम इसलिए नहीं ले रही क्योंकि उसने बिल्कुल अभी कहा हुआ है कि भाई मेरा नाम ही लेना, और बाकी जो है इंशाल्लाह उसका उसके बारे में मैं आपको बहुत जल्द बताऊंगी, लेकिन अभी इतना कहूंगी कि भाई वो मेरी जान है। तो बाकी प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो अभी हम लोग बस वन स्टॉप पहुँचने वाले हैं। बाकी आप लोग बताएं आप लोगों के हाँ कैसा मौसम है यहाँ। तो मौसम आप लोग देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छा हो गया है, और अब हम लोग पहुँच गए वन स्टॉप। तो ये आप लोग देखें कि केक्स बाकी भी अच्छे थे, लेकिन मुझे था कि मैं खुद बनवाऊं। तो ये केक जो है ये मैंने ऑर्डर किया था तो रेडी हो गया है। बाकी भी मुझे एक तो अच्छा लगा था, लेकिन फिलहाल अभी हम ऑर्डर दे चुके थे तो ये आप लोग देखें। और दूसरी बात ये कि केक हमारा बिल्कुल भी पैक नहीं हो सकता क्योंकि ये मफिन्स जो हैं ये एक साइड पे बने हुए हैं, इस वजह से ये इस पे कोई भी पैकिंग पूरी नहीं आ रही थी। तो फिर केक हमें ऐसे ही उठा के ले जाना पड़ा। ये मेरी साथ बहुत ही अच्छी दोस्त हैं तो ये केक उन्होंने पकड़ा हुआ है और मैं शूट कर रही थी, तो इसी तरह फिर ये हमें गाड़ी में रखना पड़ा। लेकिन ये है कि केक जिस तरह का हमने कहा था उससे भी उन्होंने अच्छा बनाया है। 3 फ्लेवर्स थे इसमें, लेकिन ये है कि जितना देखने में अच्छा लग रहा है ना, इससे ज़्यादा खाने में मज़े का था। फिर हम लोग ये साया, ये मैंने स्पेशली आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है कि मैं आप लोगों को दिखा सकूं कि वहाँ पे 50% ऑफ है, और 35 से लेके 50% कुछ सारी ही आइटम्स जो हैं ना वो अच्छी हैं। अनस्टिच जो हैं उस पर 30% भी ऑफ था और 50 भी। तो कुछ मैंने यहाँ से कपड़े सेलेक्ट किए थे, वो इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ किसी और ब्लॉग में शेयर करूंगी कि मैंने अपने लिए क्या लिया और क्या लूंगी। तो ये आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा जो रेडी टू वियर थे वो भी बहुत ही अच्छे थे, कुर्ताज थे, उसके अलावा फ्रॉक्स थी कुछ बनी हुई, कुछ कोट थे, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छे थे। तो मैंने उसके लिए जो सिलेक्ट किया था ना वो एक पीच से कलर का था, वो भी मैं आपको दिखाती हूँ। पहले आप ये देख लें कि काफ़ी ज़्यादा इनके पास मतलब अच्छा स्टॉक है। तो ये पीच फ्रॉक मैंने उसके लिए पसंद किया, लेकिन फिर क्या हुआ कि मुझे याद आ गया कि इस कलर का तो उसके पास पहले भी है, तो इसलिए मैंने फिर इसको रहने दिया। और यहाँ पे मैं देख रही थी कि कौन सा लूँ, तो ये जो पहले ये अच्छा लगा, लेकिन नहीं, फिर उसके बाद ये सूट मुझे बहुत पसंद आ गया था। ये कोट था और इसके नीचे बहुत ही जो है ना प्यारा सा मतलब सिंपल सी वो ट्राउज़र बना हुआ था और ये शर्ट, तो ये भी मैंने ले लिया। उसके बाद हम लोग गए बुनैनजा सतरंगी। बुनैनजा की मुझे जो है ना कपड़े तो इतने खास पसंद नहीं, लेकिन इनके परफ्यूम्स वगैरह मुझे बहुत पसंद है। तो यहाँ पे गए तो मुझे अंदाज़ा नहीं था, लेकिन यहाँ पे जब पहुँचे हैं तो फिर पता चला है कि भाई यहाँ पे भी 30-50% जो है ना वो ऑफ है। तो फिर मैं मज़ीद खुश हो गई क्योंकि मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि यहाँ पे भी जो है ना उन्होंने ऑफ लगा दिया है। ऑफ का मुझे था सही, लेकिन ये था कि भाई 14 अगस्त के नज़दीक लगाएंगे, मतलब एक दिन पहले, लेकिन ये इन्होंने 2-3 दिन पहले लगा दिया। तो देखें कि मेकअप पे, नेल पेंट्स पे, मेकअप पे तो है 10% था, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं उन पे 20, 30 और 50। तो ये जब मैंने परफ्यूम्स देखे पैकिंग में, तो मैंने इनसे पूछा कि ये आप अलग से पैक करके देते हैं या ये पैकिंग में मिलते हैं। तो इन्होंने बताया कि नहीं, आप जो भी आपको परफ्यूम पसंद हो आप बताएं, हम आपको पैकिंग पसंद करवा के फिर उस हिसाब से ना आपको पैक करके देंगे। तो यहाँ पे मैंने किए थे 2 परफ्यूम पसंद,
एक तो क्रिज्मा और दूसरा जो है वो गॉर्जियस। तो ये देखें आप लोग, वो पैक कर रही थी यहाँ पे स्टाफ, और स्टाफ भी यहाँ का बहुत ही अच्छा है। उन्होंने पूछा कि आप ये वीडियो क्यों शूट कर रही हैं, टिकटॉक के लिए? मैंने कहा नहीं, मेरा यूट्यूब का चैनल है। अच्छा, उन्होंने बकायदा मेरे से पूछा कि आपके चैनल का नाम क्या है, और मैं अभी वहाँ पर खड़ी थी और उन्होंने सब्सक्राइब भी किया मुझे। तो स्टाफ बहुत ही अच्छा है, इसी तरह होना चाहिए। अच्छा, स्टाफ जहाँ का अच्छा हो रहा हूँ उस शॉप पे, उस ब्रांड पे, आपका दोबारा जाने पे भी दिल चाहता है, और अगर स्टाफ खड़ूस था हो तो बिल्कुल आपका दिल ही नहीं चाहता। तो ये यहाँ पे मैंने ये दो परफ्यूम्स ली, पैक करवा ली थी, और उसके बाद यहाँ पे बिल दिया, और बस फिर घर के लिए निकल आई मैं। अच्छा, ये अभी तकरीबन 12 बजे का टाइम है, तो बल्कि 12 होने में 5 मिनट है। तो ये उसे यहाँ पे मैंने सरप्राइज दिया था, ये वही मेरी दोस्त है मेरे साथ। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि भाई मैं उसे इतने अच्छे तरीके से विश करूँगी या कुछ भी। तो लेकिन ये है कि केक को देख के, इस तरह विश करने को देख के वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई, एक्साइटेड हो गई। ये है कि भाई मुझे किसी ने विश की है। तो थे तो हम 3 ही लोग, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छा टाइम जो है ना वो हमने तीनों ने गुजार लिया। बाकी प्लीज़ फिर मैं वही कहूँगी कि मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यहाँ पे केक कटिंग हुई, और केक मैंने बताया ना कि इन जो 3 फ्लेवर थे, मैंगो, वनीला और एक और था, लेकिन तीनों बहुत अच्छे थे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।